अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:30 सुबह के। खैर, मैं सुबह के तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इट्स क्वाइट लेट। एंड अभी मेरी मामा फ्रेंच टोस्ट बना रही हैं। फ्रेंच टोस्ट वो इसलिए बना रही हैं क्योंकि हमें नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट ही पसंद है और हम पराठे नहीं खाते। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं। अभी हो रहा है लंच का टाइम और लंच में मामा ने बिरयानी बनाई है। हम हमेशा वीकेंड पे ही बिरयानी बनाते हैं और हमें विंटर वेकेशंस भी मिल गई हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपना मोस्टली जो टाइम होता है वो हम बाहर ही स्पेंड करेंगे क्योंकि यूएई का वेदर हमेशा हॉट होता है और सिर्फ चंद महीने के लिए ही यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाता है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपना जो टाइम होता है वो फैमिली के साथ स्पेंड करें। स्कूल की वजह से हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स ही अपलोड करूँ। यहाँ लोग भी ज़्यादा आए हुए हैं, मौसम अच्छा हो गया शायद इसीलिए, और मुझे रश में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मैं दूसरे पार्क आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, बहुत ही सुकून है यहाँ। और व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बज रहे हैं 5:30, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपने साथ जैकेट भी नहीं लेकर आई, तो मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। तो नेक्स्ट हम सोच रहे थे कि हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं क्योंकि मामा को कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो अब हम आ गए हैं मार्केट। जैसे ही मैं यहाँ मार्केट एंटर हुई तो मेरी नज़र मेकअप प्रोडक्ट्स पे पड़ी, तो मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। मेकअप प्रोडक्ट्स पे 30% ऑफ था और ये सारे ब्रांड्स पे ऑफ़र लगी थी। और ये अब मैं आप लोगों को परफ्यूम्स दिखा रही हूँ। इन सब परफ्यूम्स में से मुझे एक ही परफ्यूम पसंद है, नैन्सी का जो परफ्यूम है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी स्मेल है और मैं काफ़ी दफ़ा ले चुकी हूँ। अब हम होम अप्लायंसेस के सेक्शन में आ गए हैं और ये मैं आपको एयर फ्रायर, चॉपर और ब्लेंडर दिखा रही हूँ। यह है जी टॉयज़ का सेक्शन और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ पसंद है और मैं आप लोगों को आगे जाके ज़रूर दिखाऊंगी। सारे टेडी बेयर्स बहुत ही प्यारे हैं, मुझे सब सारे के सारे पसंद हैं और मैं इन्हें प्यार से बेबी कह के बुलाती हूँ और मेरे पास सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं। फ्राइडे को मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सॉफ्ट टॉय ही लूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं क्लोथ्स लेकर गई थी एज अ गिफ्ट, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं सॉफ्ट टॉय दूँ। लेकिन फिर मुझे ये भी हो रहा है कि सॉफ्ट टॉय देना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी दोस्त के लिए कौन सा गिफ्ट लूँ। जब भी मैं मार्केट आती हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे गर्ल्स की छोटी छोटी कपड़े बहुत पसंद है, जैसे ड्रेसेस और फ्रॉक्स, तो मैं यहाँ
ज़रूर आती हूँ, और मुझे सारे के सारे ड्रेसेस बहुत पसंद है, और मैं अपनी छोटी कज़न को भी यहीं से ही ड्रेसेस लेती हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और सारे के सारे डिज़ाइंस मुझे बहुत ही पसंद है। अब हम आए हैं बैग्स के सेक्शन में। यहाँ हर एक टाइप ऑफ बैग मिलता है, स्मॉल बैग्स भी होते हैं, यहाँ हैंड बैग्स भी होते हैं। यहाँ मैं आगे जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये देखें स्मॉल बैग्स आ गए हैं जिसकी मैं पहले बात करी थी, और ये हर कलर में है, पिंक भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, और फैशन में चल रहे हैं। ये सारे टी सेट्स हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हर एक एप्पल की वैरायटी है, हर एक कलर में अवेलेबल है। अब मैं आ गई हूँ बेकरी सेक्शन में, और मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा चिकन टिक्का रोल ही पसंद है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मुझे नहीं मिले थे, तो इस बार मुझे मिल गए तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। यहाँ पे डोनट्स भी मिलते हैं और मैंने एक दफ़ा ट्राई भी किया था लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये भी बताएं कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.